अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो है मैं रेड ऑनियन रेस्टोरेंट का रिव्यू करने लगा हूँ। तो ये अगर कि आप लोगों को पाकिस्तानी और इंडियन फूड पसंद है तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनकी इनके खाने का टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पर पर्सन बफे का जो है 62 सऊदी रियाल्स है। और मैं आप लोगों को आइटम्स दिखाता हूँ मेन्यू में क्या है। दम चिकन बिरयानी है हमारे पास, यहाँ पर मटन मेथी है और बटर चिकन है, और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर अफ़गानी मटन है, और फिर हम लोगों के पास यहाँ पर चना मसाला है, और यहाँ पे चिकन मंचूरियन है, और यहाँ पे हमारे पास ज़ीरा राइस है, और बारबेक्यू चिकन है। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा चिकन है इनका। और जो मेन जो स्पेशल डिश है दोस्तों इनकी, सीख कबाब जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और लाहौरी फ़िश है। यहाँ पे हमारे पास सूप हैं, दो किस्म के सूप हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो आप देख सकते हैं किस तरह के लग रहे हैं। और नान भी दोस्तों इनके, नान और रोटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नान तो मैं कहूँगा स्पेशली आप 100% जो है ट्राई करें, नान काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इनके। यहाँ पे हमारे पास सैलड्स हैं डिफरेंट टाइप के, और रायता और चटनी है, यहाँ पे इमली की भी चटनी है आप देख सकते हैं जिस तरह के, और सैलड्स इन्होंने काटे हुए हैं अलग अलग करके, काफ़ी अच्छा जो है लग रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास मीठा आ जाता है, तरबूज है यहाँ पे, खरबूजा भी है, और ये केक है, यहाँ पे हमारे पास खीर है, गुलाब जामुन भी इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और सूजी का हलवा भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, सच में इनका खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, टेस्ट में एक्सपेंसिव है बाकी रेस्टोरेंट से, लेकिन खाना मैं आप लोगों को 100% रिकमेंड करता हूँ। अगर किसी ने बफे करना हो स्पेशली तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं और ये चीज़ें जो हैं ट्राई की हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। बिरयानी का भी काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सीख कबाब तो इनके जो हैं लेजेंडरी हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर इनके, इनको कॉन्टैक्ट करके आप रिज़र्वेशन करवा सकते हैं, लोकेशन भी मैंने दी हुई है यहाँ पे, और मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं इनको 10 में से 10 दूंगा क्योंकि काफ़ी इनका अच्छा टेस्ट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों।